दोस्तों, किसी को हंसाना जितना आसान लगता है, असल में वो उतना आसान होता नहीं है। हमें लगता है कि जो मूवी में या स्टैंड अप में हमें हंसा रहा है उसको क्या ही दुख होगा, लेकिन दोस्तों आज की इस कहानी में हम आपको दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन और एक्टर के बारे में बताएंगे जिसका नाम आते ही हमारे चेहरे पर हंसी अपने आप ही फैल जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट चार्ली चैपलिन की, जिनके काम ने तो लोगों को खूब हंसाया लेकिन उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत रहे। जिंदगी तो छोड़िए, उस इंसान की मौत और उसके बाद भी वो एक सनसनी बना रहा। आज की इस वीडियो में हम उसी चार्ली चैपलिन की कहानी बताने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन शहर में हुआ था। इनके पिता चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन और माँ हेना चैपलिन म्यूजिक हॉल में सिंगर और जूनियर आर्टिस्ट थे, इसीलिए आर्ट के लिए चार्ली चैपलिन का झुकाव बचपन से ही था। चार्ली चैपलिन की शुरुआत कैसे उनके बचपन से ही हो गई थी, आइए देखते हैं। चार्ली का बचपन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा। एक बार चार्ली की माँ स्टेज पर गाना गा रही थी, तभी उनकी आवाज बंद हो गई। वहाँ के दर्शक हंगामा करने लगे और जूते चप्पल स्टेज पर फेंकने लगे। ऐसे में अपनी माँ को बचाने के लिए लगभग 5 साल के चार्ली चैपलिन स्टेज पर आ गए और उन्होंने अपनी भोली आवाज में माँ के गाने की नकल की, जो दर्शकों को बहुत ही फनी लगी और दर्शकों ने उन्हें खूब सराहा। स्टेज पर सिक्कों की बारिश होने लगी और 5 साल की उम्र में ये चार्ली चैपलिन की पहली कमाई थी। तभी से चार्ली ने इस बात को गांठ बांध लिया कि असल जिंदगी में जो गरीबी उनके दुख का कारण थी, स्टेज पर वही लोगों को कॉमेडी लगती है। यही वजह थी कि आगे चार्ली की फिल्मों में दुख, गरीबी, अकेलापन, बेरोजगारी को उन्होंने कॉमेडी के रूप में प्रेजेंट किया और पूरी दुनिया उस पर हंसती रही। इस घटना के कुछ दिन बाद चार्ली के माता पिता तलाक लेकर अलग हो गए। चार्ली को अपने माँ और भाई के साथ अनाथालय में रहना पड़ा क्योंकि उनकी माँ के पास कोई नौकरी नहीं थी। अनाथालय में उनकी माँ मानसिक रोगी होकर पागल हो गई, जिसके बाद कोर्ट ने चार्ली और उनके भाई को पिता के साथ रहने का आदेश दिया। पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और सौतेली माँ ने चार्ली और उनके भाई पर बहुत जुल्म ढाए। इसके कुछ दिन बाद उनकी माँ पागल खाने से ठीक होकर वापस आई तो उनके जीवन में खुशियां वापस लौटने लगी। चार्ली स्कूल तो जाते थे मगर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, वो एक एक्टर बनना चाहते थे। चार्ली पैसे कमाने के लिए स्टेज शोज करते थे और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वो बहुत से छोटे मोटे काम भी किया करते थे। असल में उनके जीवन में अब एक ही एम बचा था, उन्हें एक्टर बनना ही था, इसीलिए वो लगातार ब्लैकमोर थिएटर जाते थे। एक बार वो एक स्टेज शो कर रहे थे तभी उन पर एक डायरेक्टर की नजर पड़ी। उन्होंने चार्ली की बेहतरीन एक्टिंग टैलेंट को उसी वक्त पहचान लिया। उस डायरेक्टर के माध्यम से चार्ली की मुलाकात हैमिल्टन से हुई। हैमिल्टन ने चार्ली को शेरलॉक होम्स नाटक में रोल ऑफर किया। चार्ली को पढ़ना नहीं आता था, इस कारण उन्होंने डायलॉग्स को याद करना शुरू किया। शेरलॉक होम्स सीरीज में एक्टिंग करके उन्होंने खूब शोहरत कमाई। हालांकि इसके बाद भी चार्ली का जीवन गर्दिशों के दौर में ही रहा। चार्ली 5 फुट 5 इंच की छोटी हाइट वाले दुबले पतले इंसान थे जो लोगों को अपनी एक्टिंग से गरीबी और बेगारी में भी खुश मिजाजी से भरा जीवन जीने की प्रेरणा देते थे। इतिहास गवाह है, उस दौर में पूरी दुनिया विश्व युद्ध और आर्थिक महामंदी की तबाही से गुजर रही थी। चारों तरफ तानाशाहों का आतंक था, ऐसे में उनसे लड़ने के लिए चार्ली ने कॉमेडी का सहारा लिया। चार्ली के जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब वो अपने इंटरव्यू में लेफ्टिस्टों का पक्ष लेते हुए दिखे, जिसके बाद मीडिया ने चार्ली पर रूसी एजेंट होने का आरोप लगाया क्योंकि पूरा लेफ्ट उस समय रशिया को ही सराहता था। 10 सालों तक अमेरिकी सरकार और मीडिया चार्ली के लिए आफत बनी रही। चार्ली की फिल्म लाइमलाइट 1952 में रिलीज हुई थी लेकिन अमेरिका में उसे बैन कर दिया गया। चार्ली को अमेरिका से बहुत लगाव था, उन्होंने यहीं पर अपनी पहली शादी ऊना ओनील से की थी, लेकिन अमेरिका की बेरुखी से वो अंदर तक टूट चुके थे, इसीलिए उनकी पत्नी और वो अमेरिका की नागरिकता वापस लौटाकर लंदन आ गए। लेकिन यहाँ सही घर न मिलने की वजह से वो स्विट्जरलैंड जाकर बस गए। यहीं पर उनकी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा से हुई थी। चार्ली ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो महात्मा गांधी के विचार से हमेशा प्रेरित हुए हैं। एक बार तो चार्ली की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से मुलाकात के दौरान उन्होंने गांधी जी से मिलने की इच्छा जाहिर की। संयोग से उस समय गांधी जी लंदन आए हुए थे, जहां चार्ली की गांधी जी से मुलाकात बहुत ही रोमांचक ढंग से हुई। गांधी जी एक इलाके में डेरा डाले हुए थे, जहां वो खुद जाकर गांधी जी से मिलने पहुंच गए, जहां उन्होंने भारत की आज़ादी पर हो रहे आंदोलनों पर अपना सपोर्ट दिया।
चार्ली को अपने अभिनय और कॉमेडी के लिए अनेकों अवार्ड्स मिले। 1940 में द ग्रेट डिक्टेटर के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर, 1952 में उनकी फिल्म लाइम लाइट ने म्यूजिक के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता। उस वक्त चार्ली अधिकतर लोगों के पसंदीदा थे और आज भी वो लगभग सभी के दिलों में बसते हैं। उनकी एक्टिंग से आज की पीढ़ी भी सीख ले रही है और आज भी कई एक्टर्स उनकी एक्टिंग की नकल करते हैं। एक बार की बात है जब महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन चार्ली चैपलिन से मिले। उन्होंने चार्ली से कहा, मैं फैन हो गया हूँ आपका और आपके अंदाज का। आप किसी से एक शब्द तक नहीं कहते, फिर भी पूरी दुनिया आपको समझ जाती है। इसके जवाब में चार्ली ने कहा, हाँ ये बात सच है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आप अपनी थियरीज के बारे में कितना कुछ कहते हैं और सब आपकी तारीफ करते हैं, पर फिर भी किसी की समझ नहीं आ पाती कि आप क्या कहना चाहते हैं। माइकल जैक्सन ने चार्ली चैपलिन के लिए कहा था कि वो उनके जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि उनका जीवन एक ऐसी कहानी है जो दुख दर्द और आंसुओं के साए में भी खुशियों से हंसना सिखाती है। लेकिन चार्ली का पूरा जीवन तो चलता रहा, लेकिन आखिर में उनकी मौत के बाद उनके साथ बहुत बुरा हुआ। आपको बताएं कि 25 दिसंबर 1977 को चार्ली चैपलिन की मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्हें स्विट्जरलैंड में दफना दिया गया। लेकिन सारा तमाशा हुआ चार्ली की मौत के तकरीबन 3 महीने के बाद। हुआ कुछ यूं कि उनकी लाश कब्र से गायब हो गई थी। बाद में पता चला कि इस लाश को चुराया गया है। दरअसल बुल्गारिया के 2 मैकेनिक्स ने चार्ली की लाश को कब्र से खोद कर निकाल लिया था। हालांकि इस चोरी के 5 हफ्ते बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल चोर चार्ली की डेड बॉडी वापस करने के लिए भारी भरकम रकम की मांग कर रहे थे, लेकिन उससे पहले वो गिरफ्तार हो गए। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी दुनिया को हंसाने वाले चार्ली चैपलिन की। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।